हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने टी टेट पेपर वन और पेपर टू का जो वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे सबमिट करें, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस लाइव देखूंगा आप लोगों के सामने। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कोई भी फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि जब मैं और नया वीडियो लेके अपलोड करूँगा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे सबमिट करें, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस को देखते हैं। दोस्तों, आप लोग फर्स्ट पे फॉर्म फिलअप करने के लिए फर्स्ट पे टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा जो TRBT ऑफिशियल वेबसाइट पे आने होगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों, आप लोग अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर भी क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप सबमिशन कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर भी क्लिक करके सबमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया, और देखिए दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टू ऑप्शन हो गया, क्लिक हेयर फॉर UGT 2019 GT 6-8 2019, STGT June 2019, STBGT June 2019, ठीक है। यहाँ पर शो गया टू ऑप्शन, और एक ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर TTET 2019, और क्लिक हेयर फॉर TTET 2019 जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर है ऑनलाइन जो सबमिशन करने के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करने होगा सेकंड ऑप्शन पे, और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। फर्स्ट पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करने होगा, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर फिल करके सारे डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करने होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से फिल करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो कन्फर्म पासवर्ड कैसे फिल करना होगा मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करने होगा, और करने के बाद जो यहाँ पर ईयर देखिए 2019 यहाँ पर क्लिक करने होगा, और उसके बाद आप लोग जो आप अपने ईयर चूज कर लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना जो आपका डेट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेट पे क्लिक करना, देखिए यहाँ पर आ गया 1/1/1994, ठीक है। पासवर्ड सारे डिटेल्स फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करने होगा, और यहाँ पर रिमेम्बर और नेवर, ठीक है, आप लोग एनीवन क्लिक कर देना। और देखिए दोस्तों रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद मेरा जो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन नंबर इज, देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यू मे लॉग इन नाउ यूजिंग आइडर योर ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और ये है दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, और नहीं तो आप लोग नोट कर लेना ये रजिस्ट्रेशन नंबर को, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर क्लिक करने होगा, ठीक है, लॉग इन पे, और यहाँ पर ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर एनी वन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है, आप जो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे जो पासवर्ड यहाँ पर फिल किया था ये पासवर्ड यहाँ पर फिल करना। उसके बाद यहाँ पर जो देखिए वेरीफिकेशन, जो देखिए यहाँ पर वेरीफिकेशन कोड सेम इस प्रकार से यहाँ पर फिल करना। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने, और देखिए दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स शो होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे फिल करना होगा, यहाँ पर फादर्स नेम, ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम, और यहाँ पर मेरिट ये से तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और नो है तो यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जेंडर, मेल है तो मेल और फीमेल तो फीमेल, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, और उसके बाद फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है तो यस देना और नहीं तो नो, और इफ करंटली एम्प्लॉयड है तो यस देना और नहीं तो नो, और एक सर्विसमैन है तो यस नहीं तो नो। उसके बाद हैविंग PRTC है तो यस देना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने होगा, ठीक है।
और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस होगा। कम्युनिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस फिल करने होगा, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस, टाउन और उसके बाद पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर सब डिविजन, यहाँ पर पिन कोड, उसके यहाँ पर सेम जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक मार्क कर देना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइल अपलोड, यहाँ पर अपलोड करने होगा टू फाइल, फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। और यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर के भी, और यहाँ पर जो 100 KB अंडर से ये अपलोड करने होगा, फोटो और सिग्नेचर है 50 KB से, ठीक है। और मैं पहले वीडियो पे अपलोड किया था, जो डिस्कस किया था फोटो और सिग्नेचर कितना के भी से अपलोड करने होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लेना, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर अपलोड करने के बाद फोटो और सिग्नेचर सबमिट पे क्लिक करना, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से शो होगा। और यहाँ पर देखिए यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आप लोग जो एडिट और अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं और चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी टेट पेपर 1 सेशन 2019 और इस साइड टी टेट पेपर 2 सेशन 2019, ठीक है। और आप जो टी टेट पेपर 1 अप्लाई करना चाहिए तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना, और टी टेट पेपर 2 सेशन 2019 पे जो आप लोग अप्लाई करना चाहिए तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना। और यहाँ पर सेम प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों के सामने मैं अभी दिखाऊंगा जो पेपर 2 का सबमिट करके, ठीक है, तो वीडियो को देखते रहे। और यहाँ पर फर्स्ट पे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करने होगा, सेम प्रोसेस है टेट 1 और टेट 2, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से शो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टी टेट पेपर 2 सेशन 2019। और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ पर आप अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्ट करना, और यहाँ पर जो बी एड है तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क और बी एड है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप अपने जो क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। और ये एककालीन सार या जो वन टाइम रिलेक्शन के लिए ग्रेजुएशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ क्वालिफिकेशन 1 सीनियर सेकेंडरी, और यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर TBSC है तो TBSC और CBSE है तो यहाँ पर CBSE फिल करना। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो आपने जो इंस्टीट्यूशन का नाम, उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग जो सीनियर सेकेंडरी क्लास 12, उसके बाद यहाँ पर जो CGPA है तो यहाँ पर टिक मार्क करना, और जो परसेंटेज मार्क है तो यहाँ पर फिल करना, यहाँ पर टोटल मार्क फिल करने होगा। उसके बाद यहाँ पर मार्क ऑप्टेन, जो टोटल मार्क्स से आप कितना मिल रहे हैं उसका यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन 2 ग्रेजुएशन है, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का बोर्ड जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है तो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी फिल करने होगा, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम, जो आपका कॉलेज नेम है, और यहाँ पर पासिंग, जो ग्रेजुएशन कौन से साल में पास होगा ये फिल करना होगा। उसके बाद CGPA है तो यहाँ पर टिक मार्क कर देना, ठीक है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पर देखिए CGPA जो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टोटल मार्केट जो परसेंटेज है तो यहाँ पर फिल करना, ठीक है। और यहाँ पर ये जरूर नहीं है क्योंकि ये वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये फिल करने होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव, ठीक है, यहाँ पर फिल करना होगा, जो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, फिल करना। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर चूज करना होगा लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज चूज, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश है कंपलसरी, और यहाँ पर टू ऑप्शन है बेंगोली और ककबरक, ठीक है, तो एनी वन चूज कर लेना। उसके बाद सब्जेक्ट चूज, ठीक है, यहाँ पर जो आप सोशल स्टडीज है तो फिल करना, और यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने होगा, ठीक है, तो मैं फटाफट से फिल करके सबमिट करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। और देखिए दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस हो गया फिर से, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए टी टेट पेपर टू में सबमिट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एडिट एप्लीकेशन, जो एडिट करना चाहिए तो एडिट कर सकते हैं। और फाइनलाइजेशन, जो फाइनलिस्ट एप्लीकेशन है तो यहाँ पर ऑल डिटेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना। और यहाँ पर देखिए फॉर जनरल के लिए 300 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी, और एस सी एस टी पी एस के लिए 200, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा पेमेंट देने के लिए फाइनलिस्ट जो एप्लीकेशन पे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो फाइनलिस्ट जो एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। जो अब आपने जो डिटेल्स यहाँ पर सारे डिटेल्स शो होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो सारे डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और सेकेंड लैंग्वेज जो चोस्ट सारे डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पर जो कंप्लीट है तो और सारे डिटेल्स ठीक है तो फाइनलाइज्ड यहाँ पर क्लिक करने होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉपअप शो हो गया, वंस यू फाइनलाइज्ड यू शैल नो लॉन्गर बी एबल टू एडिट योर एप्लीकेशन, आर यू श्योर। यहाँ पर सारे डिटेल्स ठीक है तो ओके कर देना, ठीक है। और देखिए दोस्तों फाइनलाइज सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर से इस प्रकार से शो हो गया। और यहाँ पर देखिए अभी जो पेमेंट देने होगा, ठीक है, मैं पेमेंट पे क्लिक करने होगा पेमेंट देने के लिए। और देखिए दोस्तों पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारे डिटेल्स शो हो गया। और होने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर पे यहाँ पर क्लिक करने होगा। और देखिए दोस्तों पेमेंट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से शो हो गया। यहाँ पर देखिए पेमेंट अमाउंट 200 है। यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग है तो आप लोग जो आप अपने चूज कर लेना, ठीक है। तो मेरा डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक करने होगा। और करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कार्ड 16 डिजिट का यहाँ पर फिल करने होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरेशन डेट है यहाँ पर फिल करने होगा मंथ, उसके बाद ईयर, यहाँ पर सीवीवी कोड, उसके बाद जो कार्ड होल्डर्स नेम, ठीक है, उसका मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से कार्ड डिटेल्स फिल करके मेक पेमेंट पे क्लिक करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने, तो वीडियो को देखते रहे। और उसके बाद देखिए दोस्तों मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओटीपी एंटर करना होगा, ठीक है, जो मोबाइल नंबर लिंक है अकाउंट पे डेबिट कार्ड से, ठीक है। और यहाँ पर फिल करने होगा जो 6 डिजिट का ओटीपी, तो मैं फटाफट से फिर कॉल लूँगा, ठीक है, ठीक है, मैं फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करने होगा और यहाँ पर अपडेट्स पे क्लिक करना। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं पेमेंट कर लिया, पेमेंट रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेयर रंजित त्रिपुरा, योर पेमेंट ऑफ रेस 200 रिसीव सक्सेसफुली, ठीक है, मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए प्लीज नोट ऑर्डर आई डी एंड ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है, तो मेरा सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद लॉगआउट करके फिर से लॉग इन करना होगा, ठीक है, तो मैं लॉगआउट कर लूँगा। और देखिए दोस्तों मैं फिर से लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर पेमेंट रिसीव, यहाँ पर आप लोग जो पेमेंट रिसीव होने के बाद जो ले सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, जो पेपर टी टेट पेपर टू सेशन 2019 के लिए मैं अप्लाई कर लिया सारे डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, डाउन करके लेना, ठीक है। और सेम प्रोसेस है दोस्तों टी टेट पेपर वन सेशन 2019 के लिए भी, पेपर वन और पेपर टू सेम जो डिटेल्स है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने सारे डिटेल्स जो स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस देखा लिया ए टू जेड, कैसे जो वन टाइम रिलेक्शन के लिए टी टेट पेपर वन और पेपर टू कैसे ऑनलाइन सबमिट करें। और आप लोग कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट करना। और आप लोग इस वीडियो को पसंद किया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने मत भूलिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि जब मैं और नया वीडियो लेके अपलोड करूँगा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।